अच्छा, मुझे ना कुछ चीजें पूछनी थी आप लोगों से कि अभी दिवाली जैसे आ रही है, दिवाली की शॉपिंग करनी होगी आप लोगों को, ये मुझे भी करनी है। यस, थोड़ी बहुत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस बार नए मिशन हो सकते हो, हाँ मैं नए मिशन पर चल रही हूँ कि नो मोर एक्सपेंस, बेसिकली नो मोर एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जितना जरूरत है उतना ही खरीदी है, क्योंकि वेस्ट हो जाता प्रोडक्ट, नेक्स्ट ईयर यूज नहीं हो पाता, तो क्यों वेस्ट करना उस प्रोडक्ट को, बेटर है जितना जरूरत हो उतना ही यूज करेंगे। लाइटिंग मुझे लेनी है, कैंडल्स वगैरह मैं खरीद चुकी हूँ, दिए वगैरह भी मैं खरीद चुकी हूँ ऑलरेडी, सिर्फ लाइटिंग लेनी है तो वो लेना रहता है, और जो गणपति में मैंने लाइट्स खरीदी थी उनके सेल लेने होते हैं, वो सेल लेने मुझे जाना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं लेना है फिलहाल। और अभी हम लोग मम्मा डैडी भी आए हुए हैं, तो देखते क्या स्पेशल करते हैं, वैसे सच कुछ स्पेशल हम लोग करते नहीं है, बिकॉज क्रैकर्स हम लोग फोड़ते नहीं है, नहीं जलाते, नो 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 टू क्रैकर्स, क्योंकि मुझे भी सफोकेशन होता है तो से उसके क्रैकर्स पे, लेकिन मम्मा को भी होता है, और सीजर है हम लोगों के साथ, तो उन लोगों को भी, डॉग्स को, पेट्स को, एनिमल्स को बेसिकली इरिटेशन होती है, वो डर जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रैकर्स जलाने ही छोड़ दिए ऑलमोस्ट 5 साल, यस 5-6 साल से तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि जब सीजर को आए हुए मेरे पास 4 साल हो चुके हैं, और सीजर के साथ कहते रहते मैंने क्रैकर्स जलाने छोड़ दिए थे, हाँ लेकिन उससे पहले से ही मैंने क्रैकर्स जलाने छोड़ दिए थे, कभी कभी शगुन के लिए जलाती थी, लेकिन लास्ट मुझे लगता है 4 साल से, हाँ लास्ट 4 साल से मैंने बिल्कुल ही नहीं जलाए हैं क्रैकर्स, एकदम बंद, सिर्फ दिए और बोली दैट्स इट, दैट इज माय दिवाली, और मिठाई खाती हूँ बहुत कम, ज्यादा नहीं। तो अभी ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, साथ के साथ आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, मज़ा आता है ना जब काम भी बहुत सारा हो और आपको लग रहा होता कि यार टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा मेरे साथ होता है, बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ, और मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैं सोचती थी थोड़ा सा चिल मारूँ, और थोड़ा सा चिल मारने के चक्कर में एक चीज़ें चिल मार लेती थी, मेरा काम और पेंडिंग हो जाता है, तो अभी जैसे मेरा काम पेंडिंग हो गया तो मैं काम भी करती हूँ, आप लोगों से बीच बीच में बात भी करती रहती हूँ। आज सीजर को भी नहला दिया था मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब उसको मंथ में 2 बार ही नहलाती हूँ मैं, यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम होता है तो ड्राई वॉश कर देती हूँ उसका वीकली, बट मंथ में उसको 2 ही बार नहलाती हूँ शैम्पू से अच्छे से, और क्या हो गया कि उसको टिक्स का प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको डॉक्टर के पास भी दिखाना है मुझे, क्योंकि उसको टिक्स की वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, और फिर वो इरीटेट हो जाता है, डॉग्स का होता है कि उनको टिक्स हो जाता है तो फिर वो लोग इरीटेट होने लगते हैं, तो आज उसको नहला दिया है, टिक्स काफ़ी क्लीन हुआ है उसका, टिक्स एंड प्लीज, बट उसको एक बार डॉक्टर को दिखाना है मुझे कि ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो टिक्स की वजह से उसकी बॉडी में, तो क्या होता है कि ये लोग जब वॉक के लिए जाते हैं ना, तो वॉक के लिए जाते हैं तो जो गली के डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं बेसिकली, उनसे वो लोग टिक्स लेके आ जाते हैं अपनी बॉडी में, और ये एक तरीके से आपका क्या होता है, एक हुआ अगर आपकी बॉडी में तो वो स्प्रेड हो जाता है पूरा, धीरे धीरे स्प्रेड होता है, और ब्लैक होने की वजह से ना इसके टिक्स तभी नज़र आते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं, जब मतलब खून चूस चूस कर बड़े हो जाते हैं तब इसकी बॉडी में नज़र आते हैं, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जब एक्सट्रीम हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि अरे इसकी बॉडी में टिक्स हो गए, तो वही चीज़ अभी भी हुआ है यहाँ पर, इसको प्रॉब्लम हो रही है टिक्स की,
कैलकटा में नहीं होती थी, उसको इतनी प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पर पानी का प्रॉब्लम नहीं था, तो वो ऑल्टरनेट डेज पे गर्मियों में नहाता था और जब ठंड होती थी वहाँ पर तो वो वीकली नहाता ही था या 15 डेज में नहाता था, वहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसका सिर्फ ड्राई वॉश हो पाता है, और थोड़ा सा भी कुछ टाइम से मेरे पास वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा जा रहा था जिसकी वजह से उसका कॉम नहीं हो पा रही थी। तो कॉम करने से क्या होता है कि डॉग्स के आपके क्लीन हो जाते हैं। तो आज मैंने उसके बॉडी से निकाले, तो जब नहलाया उसको 6-7 टिक्स निकाले थे, तो वो और स्प्रेड हो जाए उसके बॉडी में, उससे पहले मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी और अगर कोई मेडिसिन वगैरह होगा उनका तो मेडिसिन लाऊंगी। वैसे मैं इसके लिए टिक्स रिलीफ वाले ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने एक चीज़ और करी है। वो करा ये है कि जो हम लोग ह्यूमन शैम्पू होता है ना, मेडिकल शैम्पू जो जुओं के लिए होता है, लाइस के लिए, वो वाला यूज़ करा है इसकी बॉडी के ऊपर, और प्लस इसका जो टिक्स रिमूवल वाला शैम्पू है वो भी यूज़ करा है। तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि हाँ वो मेडिकल शैम्पू जब लगाया ना मैंने इसकी बॉडी पे, तो जो टिक्स थे वो भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनी जो ग्रिप थी इसकी बॉडी पे थोड़ी लूज कर दी थी। तो मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि क्या होता है कि टिक्स रिमूवल वाले जो इसके शैम्पू वो मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ, हमेशा वही यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि टिक्स हो ही जाते थे इसको। तो मैंने सोचा कि इस बार एक बार ये वाला शैम्पू यूज़ करके देखते हैं, ह्यूमन शैम्पू। मैंने कभी इसके ऊपर यूज़ नहीं करके देखा था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने मेडिकल शैम्पू इसके ऊपर यूज़ करा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँ तो इफेक्टिव रहेगा इसकी बॉडी पे, क्योंकि ह्यूमन शैम्पू वैसे यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो। मैंने एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको रिलीफ मिला है वो मेडिकल शैम्पू से। तो मैंने सबसे पहले इस तरह क्या था कि मैंने पहले मेडिकल शैम्पू से इसको नहलाया था, मेडिकल शैम्पू से इसको हेयर वॉश करके पूरा बॉडी वॉश करने के बाद, इनफैक्ट जहाँ जहाँ जैसे इनकी टेल्स के पास हो जाता है, टेल्स क्या होता है, तेल ही लोग खाते लगा रहते हैं, जिसकी वजह से हम कॉम करना और क्लीन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए, वो हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि सेंसिटिव होती है। तो वहीं पर मैंने सबसे ज़्यादा अमाउंट लेके मेडिकल शैम्पू का पहले वहाँ पर पूरा रगड़ा, उसको क्लीन करा, देन उसके बाद फुल बॉडी में इसके जो टिक्स रिमूवल वाला शैम्पू है मेरे पास कैप्टन जैक का, तो वो वाला मैंने यूज़ करा, वही वो शैम्पू से पूरा उसको नहाया, पूरा अच्छे से नहाया है। तो अभी तो वो रिलैक्स होकर सो रहा है, नींद पूरी कर रहा है, कि लेट्स सी अब मैं शाम को जब डॉक्टर के पास जाऊँगी तब उनसे पूछती हूँ कि क्या कर सकते थे, क्या काउंट कर रहे थे तुम। सीजर 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 नहीं खाएगा क्या? सीजर के लिए भी एक मंगा लो, ये सारी रसमलाई मंगवा के खा रहा है। ए शुगर है सबको, शुगर है सर, हम भी सेविंग करेंगे अगले महीने से, सब लोग शुगर कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट महीने तो समोसा, हाँ कौन खाएगा दिखा भी, सीजर के लिए भी सीजर भी तो खाएगा, उसको कैसे ऋषि के लिए आएगा, बड़ा सीजर के लिए आएगा, छोटा सीजर के लिए कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और सीजर का डॉक्टर के पास ही चला डाउन दे सीजर। सो अब हम लोगों ने डिसाइड करा क्या कि हम लोग समोसा पार्टी करेंगे, बहुत दिनों बाद समोसा खा रहे हैं, आई थिंक 7-8 महीने बाद, 7-8 महीने बाद घर समोसा आ रहा है, और आज हम लोगों का समोसा पार्टी होगा। अभी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने फाइल चेंज, फाइल में कुछ चेंजेस करी थी इनवॉइसेस में, तो उसमें डेट और इनवॉइस नंबर अपडेट करना होता है, मैंने डेट और इनवॉइस नंबर अपडेट ही नहीं कराया था, और मैं उसको प्रिंट निकालने जा रही थी उसका, वो तो जब चेक करा कि अरे प्रिंट रिव्यू में देखा कि अरे इसका तो मैंने डेट ही अपडेट नहीं करी, तो अब वो दोबारा से मेरा काम बढ़ गया, तो दोबारा वो काम कर रही हूँ, सेम काम 10 बार करना पड़ जाता है, गलती हो जाने की वजह से सेम काम 10 बार करना पड़ जाता है, फिर आपको लगता है कि क्यों हुआ ऐसा।
तो अभी मैंने सीजर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, और थोड़ी देर में मैं सीजर लेके जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। पास में ही है डॉक्टर, पहले जिस डॉक्टर को दिखाते थे उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे शायद, तो उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, तो वो अब नहीं, हम लोग की सोसाइटी में ही रहते थे, तो हम लोग इजी था कि सोसाइटी के अंदर से तो जब कभी उनको बुलाते थे रात के टाइम पे भी वो आ जाते थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया, वो बाहर चले गए बॉम्बे से बाहर, तो अब हम लोगों को इसको दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे लेके जाना है इसको, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इसको लेके जाना ऑटो में बैठा के वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं आता, उसको मस्ती चढ़ जाती है ऑटो में बैठ के। लेट्स सी कि मैं ये मिशन सक्सेसफुल कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। हाय गाइस, तो अभी मैं सीजर को दिखाकर आ चुकी हूँ डॉक्टर को, और डॉक्टर ने बोला है कि उसको टिक फीवर हो चुका है बॉडी में, तो हल्का सा ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और डर भी गया था। वो डॉग क्लिनिक में पहुंची, वो घबरा गया था, उसको लगा क्या होने वाला है। उसके बाद उसने बहुत उधम मचाया वहाँ पर क्लिनिक में, डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे, इन पर उनके जो अटेंडेंट थे वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था सीजर, और मतलब उसको घबराहट हो रही थी, वो बेचारा एकदम, उसकी हालत ख़राब थी। तो किसी तरीके से डॉक्टर ने उसको चेकअप करा, उसको इंजेक्शन लगाए, उसको टिक्स के लिए एक मेडिसिन दिया है लोशन लगाने के लिए बॉडी में, क्योंकि उस जिसके टिक्स की वजह से उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, और टिक्स से बचने के लिए उसको एक टैबलेट दिया है, और जो रेगुलर डिवॉर्मिंग का मेडिसिन रहता है डॉग्स का, हर 3 महीने में 45 से 90 डेज के बीच में खिलाना होता है डॉग्स को, तो वो वाला डिवॉर्मिंग का मेडिसिन दिया है, तो कल से उसको मेडिसिन स्टार्ट होगा। शैम्पू उसका चेंज हुआ है, डॉक्टर ने बोला है इसका शैम्पू चेंज करिए टिक्स वाला, वो शैम्पू चेंज कर दूंगी। मैं पहले कैप्टन जैक की यूज़ कर रही थी, और डॉक्टर ने दूसरा सजेस्ट किया मुझे आयुर्वेदिक, तो वो ही अब लगा के देखती हूँ कि उससे रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता उसको, और मैं आपको दिखा देती हूँ उस बेचारे की हालत क्या है। सीजर काय झाला सोना, काय झाला बेटाला, खूप कुकुल झाला, कुकू झाला माझ्या सोनाला, हां माझ्या सोनाला कुकू झाला, माझ्या बेतूला खूप कुकू झाला ना, अरे बापरे माझ्या सोनाला किती कुकू होऊन गेला, किती कुकू ना, खूप त्रास होते, नेनी कर हां, ठीक आहे सोना, चलो नेनी करो। चलो लाइट वाइट ऑफ कर दिया है मैंने सारा, वो अपना हॉल में सो रहा है, फैन भी चला दिया उसके लिए, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है उसको, तो इसलिए मैंने रूम का लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया, ताकि वो शांति से सो सके, और मैं भी अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।